हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूँ किरण और आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन DIY लेकर के आई हूँ। दोस्तों, यह DIY आपको बेहद पसंद आएगा। अक्सर दोस्तों आप जो है हाफ स्लीव कपड़े पहनना चाहते हो, लेकिन क्या होता है कि आपकी जो अंडर आर्म होती है बहुत ज़्यादा काली रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, उसकी वजह से आप जो है स्लीवलेस कपड़े वगैरह नहीं पहन पाते। तो उसी के लिए आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त होम रेमेडी बताने वाली हूँ, जिससे आपका काला काला अंडर आर्म, बदबूदार अंडर आर्म जो है बिल्कुल गोरा हो जाएगा और स्मेल फ्री हो जाएगा। दोस्तों, तो उसके लिए आपको सबसे पहला सामग्री आपके किचन से ही लेना है दोस्तों, ये होगा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर दोस्तों गुणों का भंडार होता है। हल्दी पाउडर में भरपूर मात्रा में जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ के साथ ही आपकी स्किन को निखारने का काम करता है, ब्राइटनिंग का काम करता है। अक्सर शादी ब्याह में जो देखना दोस्तों, हल्दी का रसम क्यों रखा जाता है, इसी वजह से क्योंकि हल्दी हमारे स्किन को जो है बहुत ही अंदर से निखारता है, हमारे स्किन को जो है ग्लो कराता है। उसी प्रकार अगर आप इसको अंडर आर्म पे इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका अंडर आर्म बिल्कुल इंस्टेंटली जो है निखरने लगेगा और उसका जो कालापन है ना वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया होता है हल्दी पाउडर। अच्छा वाला घर का हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें, बाहर के हल्दी पाउडर से बच के रहें दोस्तों। उसके लिए आपको लेना है, उसके बाद जो सामग्री मैं ले रही हूँ ये हमारा है नींबू, नींबू का रस। दोस्तों, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और इसके साथ साथ ही दोस्तों इसकी होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, यानी कि स्किन के दाग धब्बों को हटा करके आपके स्किन को ये ब्राइट करता है, निखारता है। विटामिन सी हमारे जो स्किन में कालापन वगैरह होता है उसको ये हटाने का काम करता है दोस्तों। तो नींबू जो है दोस्तों गुणों का भंडार होता है, आप नींबू को किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी स्किन के लिए हो, फेस के लिए हो, हेयर के लिए हो, वेट लॉस के लिए हो, हर चीज़ में जो है नींबू बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। हमारे हेल्थ में भी नींबू का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी प्रकार से आप नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है कोलगेट, यानी कि टूथपेस्ट। कोशिश करें जो वाइट वाला कोलगेट वाला टूथपेस्ट हो ना वो ले, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको कोलगेट में इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है। हल्दी जो है दोस्तों, आपको मैंने बताया कि घर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, जिसका ऑर्गेनिक वाला हल्दी भी आता है वो भी बहुत ही बढ़िया होता है। बिना किसी, अक्सर घर का हल्दी यूज़ करोगे ना तो समटाइम्स उसमें मिर्च विर्च का भी जैसे किचन में काम होते रहता है, तो उसके लिए आप उसको इस्तेमाल ना करें, आपकी स्किन में जलन होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें ये सब रेमेडी वगैरह बनाने के लिए आप हल्दी अलग से ही लो, और घर से में भी चाहते हो तो आप हल्दी पाउडर ईजिली बना सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल ऑर्गेनिक हल्दी मिल जाएगा आपको। और अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है, हल्दी को और ये जो हमने मिश्रण बनाया है इसको आपको इफेक्टेड एरिया जैसे कि आपके अंडर आर्म पे इसको अच्छे से, जैसे यहाँ पे मैं हाथों पे ही आपको बता रही हूँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपके अंडर आर्म पे, तो इस तरीके से हल्दी को लगा करके, जो मिश्रण लगा है इसको लगा करके, और नींबू से आपको इसको रगड़ना है, कुछ देर के लिए मसाज देना है। जेंटली मसाज करें, बहुत ही ज़्यादा हार्शली ना करें। लगभग 5 मिनट तक आपको इस तरीके से करना है दोस्तों। 5 मिनट के बाद जो आपके स्किन में एक अलग से निखार आएगा ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही इफेक्टिवली आपके स्किन से ये डार्कनेस को, कालापन को हटा करके स्मेल फ्री स्किन हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप उसके बाद आराम से कोई भी स्लीवलेस वगैरह कपड़े पहन सकते हो, बहुत ही बढ़िया अचूक उपाय है, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही इफेक्टिवली काम करेगा दोस्तों। तो बहुत ही इजी और सिंपल सा होम रेमेडी है, 5 मिनट तक ऐसे मसाज करें और उसके बाद इसको वॉश कर ले, आपको पहली बार के इस्तेमाल से बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा DIY है, हल्दी पाउडर और टूथपेस्ट और इस तरीके से लगाना है आपको नींबू से। अच्छा लगा वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।